हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है। मेरा नाम रौनक रावत है और मेरे यूट्यूब चैनल रौनक रावत पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम एक्स रिकॉर्डर ऐप की सारी सेटिंग्स देखेंगे, हम कोई भी सेटिंग मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी सेटिंग्स बताऊँगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक्स रिकॉर्डर ऐप को ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ सेटिंग पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने सेटिंग पर क्लिक किया तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ तो एक्स रिकॉर्डर ऐप हमें कितनी सारी सेटिंग्स देता है। तो मैं आपको एक के बाद एक सारी सेटिंग्स बताऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक आप देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड, एक बात और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाइएगा, क्योंकि फ्रेंड वीडियो बनाने में 3-4 घंटे मेहनत लगती है। वीडियो को रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, थंबनेल तैयार करना, तो प्लीज़ आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, पहला जो ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑडियो, तो मैं रिकॉर्ड ऑडियो पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, म्यूट और माइक्रोफोन। तो आपको हमेशा माइक्रोफोन ही सेलेक्ट करके रखना है। म्यूट में आप पढ़ सकते हैं रिकॉर्ड साइलेंट वीडियो। यदि आप म्यूट पे क्लिक करते हैं, म्यूट पे ऐसा क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपने म्यूट ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, तो आपका जो वीडियो है उसमें कोई भी आपको आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, तो आपको माइक्रोफोन रखना है। फ्रेंड अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम आप देख सकते हैं फ्रेंड, आप चाहे तो 50 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 150 रख सकते हैं और 200 रख सकते हैं। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे रखना है 100, आपको 100 रखना है। ओके फ्रेंड, अब तीसरी सेटिंग देखते हैं हम, रिसोल्यूशन। तो रिसोल्यूशन देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इतने सारे ऑप्शन आपको आ जाते हैं, तो मैं आपको एक दो ऑप्शन समझा देता हूँ। देखिए 1080p मतलब 1080 पिक्सल आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो वीडियो है वो जूम दिखेगा। ओके फ्रेंड, और 720 पिक्सल सेलेक्ट करते हैं तो 180 पिक्सल से छोटा दिखेगा आपको, 720 पिक्सल में। और 640 पिक्सल रखते हैं तो 180 पिक्सल से छोटा और 720 पिक्सल से भी छोटा आपको 640 पिक्सल में दिखेगा। तो आपको यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के अनुसार आप चूज कर सकते हैं, मैं 720 पिक्सल रखता हूँ। तो फ्रेंड अब देखते हैं क्वालिटी। तो फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं, क्वालिटी मैंने रखी है 16 Mbps। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इतनी क्वालिटी आपको दिख रही है। आप कोई भी क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पढ़ सकते हैं हायर क्वालिटी मीन्स लार्जर साइज, मतलब आपको अपना वीडियो अच्छी क्वालिटी में शूट करना है तो आपको हायर क्वालिटी सेलेक्ट करनी है। तो हायर क्वालिटी कौन सी है फ्रेंड, 16 Mbps। तो अब यदि आप हायर क्वालिटी में अपना वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको 16 Mbps रखना है। तो फ्रेंड आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं, FPS। यहाँ पे आपको ऑटो भी रख सकते हैं फ्रेंड, आप यहाँ पढ़ सकते हैं FPS, हायर FPS मींस स्मूथर वीडियो बट यूज मोर CPU। तो फ्रेंड आप यहाँ पे ऑटो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 60 FPS रखें। अब फ्रेंड अब नेक्स्ट सेटिंग चलते हैं, ओरिएंटेशन। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ तीन ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो का, लैंडस्केप का और पोर्ट्रेट का। तो फ्रेंड ऑटो आप रख सकते हैं, लेकिन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के बारे में मैं आपको बता दूं, लैंडस्केप अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो वीडियो है तिरछा हो जाता है और पोर्ट्रेट में आपका वीडियो खड़ा शूट होता है। फ्रेंड जैसे आप यूट्यूब पे ये मेरा वीडियो देख रहे हैं,
तो आप वीडियो को तिरछा करना चाहते हैं, मतलब वर्टिकली देखना चाहते हैं, तो आप लैंडस्केप रखिए और पोर्ट्रेट में आप वीडियो को तिरछा नहीं कर सकते, मतलब खड़ा देख सकते हैं, या आप ऐसा समझ लीजिए हॉरिजॉन्टली आप वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये हुआ। अब नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं, सेव लोकेशन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, इंटरनल स्टोरेज और आपका एचडी कार्ड या फिर आप मेमोरी कार्ड भी कह सकते हैं। तो इंटरनल स्टोरेज आप रखिए, क्योंकि आजकल इंटरनल स्टोरेज 32 GB 64 GB, तो आप अपना इंटरनल स्टोरेज या एचडी कार्ड सेलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड ये हो गई सेटिंग्स। अब हम देखते हैं आगे की सेटिंग। देखिए यहाँ कंट्रोल सेटिंग्स आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग मोड। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, नॉर्मल मोड और परफॉर्मेंस मोड। तो नॉर्मल मोड में रखता हूँ, आप पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड फंक्शंस सूटेबल फॉर कॉमन रिकॉर्ड विदाउट फ्रिक्वेंट ऑपरेशन एंड चेंजेस ऑन स्क्रीन। तो नॉर्मल मोड में आप देख सकते हैं आपको अनलिमिटेड फंक्शन मिलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस मोड आप देख सकते हैं लिमिटेड फंक्शन बट मोर स्टेबल, प्रिवेंट क्रैश एंड लैग ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। तो फ्रेंड परफॉर्मेंस मोड में आपको लिमिटेड फंक्शन मिलते हैं लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है, और नॉर्मल मोड में आपको अनलिमिटेड फंक्शन मिल जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ नॉर्मल मोड रखता हूँ। आप भी नॉर्मल मोड रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट सेटिंग, काउंटडाउन बिफोर स्टार्ट। मतलब फ्रेंड जब आप अपना रिकॉर्डिंग चालू करते हैं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 3 सेकेंड रखा है, आप ऑफ भी रख सकते हैं, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। मतलब आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो ये काउंटडाउन लेता है 3, 2, 1। यदि 5 पे सेलेक्ट करके रखेंगे तो 5, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से ये सेटिंग वर्क करती है। ऑफ कर देंगे तो डायरेक्ट आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ 3 सेकेंड रखता हूँ। और फ्रेंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेटिंग, हाइड रिकॉर्डिंग, सॉरी पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट। फ्रेंड कभी कभी आपको एक स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत होती है लाइव रिकॉर्डिंग में, तो आपको इसे ऑन रखना है। देखिए यहाँ लिखा है पॉपअप विंडो आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट, मतलब जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे होते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक पॉपअप विंडो दिखाई देता है, तो आप इसे ऑन रखिए। उसके बाद फ्रेंड हाइड रिकॉर्डिंग सेव्ड विंडो, ये एक्से रिकॉर्डर प्रो का फंक्शन है। देखिए मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये हमें नया पेज देता है जिसमें ये परचेज करने के लिए कह रहा है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, जैसे 500 रुपये में लाइफ टाइम परचेज, 1 साल के लिए, 1 मंथ के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। इसमें देखिए इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, कोई ऐड से नहीं आएगा, रिमूव वाटर मार्क परमानेंटली, और भी आप इतने सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं। फ्रेंड वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं, हाइड रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाइड रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड विंडो क्या होता है फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कहते हैं रिकॉर्ड विंडो। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं अभी ये दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस पर सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो फ्रेंड ये जो रिकॉर्ड विंडो है ये अब नहीं दिखेगा आपको। बस यही खासियत है इस सेटिंग की। तो मैं इसे आप इसे ऑन ऑफ रख सकते हैं, मैंने आपको बताया यदि आप इसे ऑन कर देते हैं तो ये जो रिकॉर्ड विंडो है वो किसी को भी नहीं दिखेगा, लेकिन यदि ये आप ऑफ रखते हैं तो फ्रेंड आप जो भी करेंगे ये जो आपका वीडियो देख रहा है उसे दिखाई देगा। फ्रेंड अब देखिए सेक फ़ोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो फ्रेंड यदि आप देखिए यहाँ से भी रिकॉर्ड विंडो को छूकर आप स्टॉप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ से मैं पहले प्ले करता हूँ, देखिए 3, 2, 1 मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड ये रिकॉर्ड विंडो आपको दिख रहा है राइट, अभी देखिए आपको रिकॉर्ड विंडो पे क्लिक करके यहाँ से
वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहे तो ये सेक फ़ोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन चालू कर सकते हैं, और अब आप अपने फ़ोन को हिलाएंगे तो वीडियो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से रिकॉर्ड विंडो पे क्लिक करके, रिकॉर्ड विंडो पे क्लिक करने के बाद ये दो डंडे पे आपको क्लिक करना है, यह हो गया आपका वीडियो पॉज, और अब यहाँ से आप अपना वीडियो सेव कर सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब फ्रेंड नेक्स्ट सेटिंग की ओर बढ़ते हैं, कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन इज ऑफ। तो फ्रेंड यदि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन बंद भी कर देते हैं तब भी आप चाहते हैं कि आपका रिकॉर्डिंग ऑन रहे तो आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन इज ऑफ, स्क्रीन आप बंद कर देंगे तब भी आपका रिकॉर्डिंग होगा। तो फ्रेंड ये हो गई एक्से रिकॉर्डर की सेटिंग। अब हम एक्से रिकॉर्डर के टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको पहले स्क्रीन शॉट समझा दूँ, अभी ये मैं ऑफ़ करके रखा हूँ। अब जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट आ गया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप इसे अपने अनुसार कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। अब जैसे आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो आपको सिर्फ इसको टच करना है, और ये फ्रेंड आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट आपका हो गया है। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, मैंने टच किया और स्क्रीनशॉट आ गया। अब फ्रेंड कैमरा, तो फ्रेंड देखिए मैं कैमरा ऑन करता हूँ तो फ्रेंड आप मुझे देख सकते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने कैमरे का यूज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी कैमरा बंद कर देता हूँ। फ्रेंड ब्रश, तो यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं, अभी ऑफ है, ऑन करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड यदि आप ब्रश का यूज करना चाहते हैं तो ब्रश पे क्लिक कीजिए, और फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको आयत बना के बताता हूँ। फ्रेंड इस तरीके से देखिए, सर्कल बनाना है तो इस तरीके से, एरो बनाना है तो आप एरो पे क्लिक कीजिए, और ये देखिए ये एरो बन गया। तो फ्रेंड आई होप आप समझ गए होंगे ब्रश, सो टच। अभी मैं इनको स्क्रीनशॉट को भी बंद कर देता हूँ, ब्रश को भी बंद कर देता हूँ। सो टच पे मैं क्लिक करता हूँ, तो फ्रेंड ये आपके उतने काम की चीज़ नहीं है, इसलिए फिर वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा, इसलिए मैं इसे रहने देता हूँ। कस्टमाइज फ्लोटिंग बॉल, तो फ्रेंड आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टाइल में आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, हाइट टाइम एंड मिनिमाइज। मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो फ्रेंड देखिए, पहले मैं आपको ऑलवेज शो टाइम पे क्लिक करता हूं तो फ्रेंड आपको यहां पे दिखेगा, जैसे यहां पे जितना भी वीडियो का रिकॉर्डिंग टाइम है वो आपको यहाँ दिखेगा। और आप इसे हाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपका वीडियो देखे उन्हें पता ना चले, तो आप हाइड टाइम एंड मिनिमाइज पे कर सकते हैं। देखिए टाइम हाइड हो गया और ये मिनिमाइज पे चला गया, और दिखाना चाहते हैं तो ऑलवेज शो टाइम पे क्लिक कीजिए, आपका टाइम ड्यूरेशन दिखेगा। और फ्रेंड ये देख बटन फंक्शन यहाँ कस्टमाइज पे आप क्लिक करते हैं तो आप पूरे बटन के नाम पढ़ सकते हैं, जैसे ये टूल्स का बटन, होम का, सेटिंग का, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मैं बैक आ जाता हूं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये हो गया, अभी अदर से मैं कुछ और सेटिंग है मैं आपको ये भी बता देता हूं जल्दी जल्दी। देखिए क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पे आप देख सकते हैं क्रिएट शॉर्टकट, ऐड शॉर्टकट टू द होम स्क्रीन। होम स्क्रीन आपको मालूम है फ्रेंड, तो होम स्क्रीन जहाँ पर आपके व्हाट्सएप मैसेंजर दिखते हैं ना, यहाँ आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये होम स्क्रीन पे चला जाएगा, डायरेक्टली आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं इसको। उसके बाद लैंग्वेज, आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी लैंग्वेज है, मैं इंग्लिश करके रखा हूँ। उसके बाद फ्रेंड फीड FAQ, तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके काम की चीज़ वैसे तो नहीं है। फीडबैक कोई टाइप करके, कोई यहाँ अपलोड इमेजेस करके आप कोई फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ देखिए शेयर, इसे आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड फैमिली के साथ,
व्हाट्सएप मैसेज पे, जीमेल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू इस ऐप पे को शेयर कर सकते हैं। जॉइन एक्से रिकॉर्डर कम्युनिटी, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ़िलहाल अभी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बहन, उसके बाद फ्रेंड, प्राइवेसी पॉलिसी, तो आप प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं, एक्से रिकॉर्डर की टर्म्स ये पढ़ सकते हैं आप। वैसे इतना कोई पढ़ता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वर्जन एक्से रिकॉर्डर का वर्जन देख सकते हैं, फ़िलहाल 2.1.1.1। तो फ्रेंड आपने देखा, हमने एक्से रिकॉर्डर की सारी सेटिंग्स को समझा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को पसंद आई होगी दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो अब देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी औसम वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बगल में आपको एक घंटी का ऑप्शन दिख रहा, घंटी के ऑप्शन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल रखिए, ऑन रखिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मेरे चैनल पे डेली मिलती रहेगी। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ फ्रेंड अगली वीडियो में कुछ और नई खबरों के साथ, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।